चुटकू, रुक क्यों गया? हुआ सर, I'm sorry, लेकिन रुचिता हमारे परिवार की सदस्य है, मतलब सदस्य जैसी है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा बुआ साहब, पता नहीं किस प्रॉब्लम में होगी। एक बार वो मिल जाए मैं फिर खुद आपको मंदिर लेकर जाऊंगा बुआ साहब। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो। मिली, क्या हो गया है सबको? एक नौकरानी के जाने से सबने घर को क्यों सर पर उठा रखा है? रुचिता कहीं दादी जी के साथ मंदिर तो नहीं चली गई? नहीं रितु, मंदिर तो मैं अकेले गई थी। रुचिता को तो जीजी सा ने अंबिया सुखाने के लिए ऊपर भेजा था ना। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए। वो बुढ़ापे में ना याददाश्त की ऐसी तैसी हो गई है। ये बुढ़ापा भी कमबख्त बड़ी बुरी बीमारी है। ये याद आ गया, मुझे याद आ गया, मैंने ही उसे अंबिया सुखाने ना सबसे ऊपर वाले कमरे में भेजा था। कहीं ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद तो नहीं हो गया? रुचिता, अच्छा आराम से। रुचिता पीछे हटो। क्या बेहूदगी है छुटको, एक नौकरानी को गले लगा रहा है तू? नहीं बुआ साहब, मैं तो इसे शांत कर रहा था, बेचारी अंदर बंद रह के घबरा गई थी ना इसीलिए। उससे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है, जैसे तू अंदर फंस गया हो। ए लड़की, तेरी औकात सिर्फ घर की गंदगी साफ करने की है। घर के मर्दों पर अगर गंदी नजर डाली तो अपनी औकात में रहना लड़की, वरना इस चादर की तरह तुझे भी घसीट कर घर से बाहर कर दूंगी। आपको मुझ पर जितना नाराज होना है हो लीजिए, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लीजिए, पर इस तरह अम्मिया मत फेंकिए। एक जरा सी मेहनत तेरी क्या बेकार हो गई? तुम मुझे ज्ञान देने लग गई? नहीं बुआ साहब, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस तरह अम्मिया फेंकना तो अन्न का अपमान हुआ ना। तुम जीजी साहब छोड़िए ना, आप आइए मेरे साथ। रुचिता, तुम ये सब समेट के ना बाकी घर के काम कर लो। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। नौकरानी को कुछ बोलू तो छुटकू को बहुत बुरा लगता है, कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में। ए लड़की, वो कोना छूट गया है। लीजिए बुआ साहब, आपके लिए सूखे मेवे लाई हूँ, रात भर पानी में भिगो कर लाई हूँ आपके लिए। सूखे मेवे, वो भी भिगो के तुम लाई हो? हाँ बुआ साहब। मेरे लिए? आप भले ही मुझे अपना ना माने बुआ साहब, लेकिन मैं आपको माजी के समान समझती हूँ, बहुत इज्जत है आपके लिए मेरे मन में। और करती भी रहूंगी, आप बस इस रुचिता को नौकरानी बनाए रखो।
बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का संसार दोबारा बसा है। माता रानी को उसके नाम की शगुन की चुन्नी चढ़ाई है कि जाके रुचिता को दे देती हूँ। अरे मुंह खोलू तो सांप लौट जाए, गलीचे के नीचे कौन करेगा? तेरे मायके से किसी को बुलवाऊंगी। और जरा ताकत दिखा, अच्छे से रगड़ फरश। ये साफ कर। हाँ चल चल चल, हाँ आगे आती जा, आगे आती जा, इधर से लगा के इधर आ जा। आए मेरी कमर टूट गई। उठी उठी उठी, आए मेरी कमर गई। आए ऐसा गिर गई। जीजी सा, अब गिर कैसे गई? दोबारा गिर के दिखाऊं? हाय मौसम। मुंह खोलू तो सांप लौटे। हाँ चींटी से कटवा के गरम पानी से जला के तेरा जी नहीं भरा जो बाल्टी में डुबो के मारेगी मुझे? नहीं बुआ सब, मैंने बाल्टी एकदम कोने में रखा था, पता नहीं। चुप। एक काम ढंग से नहीं कर सकती पूनम, अभी के अभी इसका हिसाब कर और इस नौकरानी को घर से बाहर निकाल। जी बुआ जी। नौकरानी? आप मेरी बेटी को नौकरानी क्यों कह रही हैं? बेटी? मतलब ये इस नौकरानी की माँ है? अरे ये घर है या धर्मशाला? हरा हरा गहरा मुंह उठाकर जला आता है। नौकरानी कम थी जो इसकी माँ भी चली आती है यहाँ बोझ बनने? आप ये क्या कहे जा रही हैं? मैं यहाँ बस अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। और सबसे अहम बात, मेरी बेटी रुचिता इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी है। बहु? अरे बुआ सा संभालिए। अब बैठिए बैठिए बुआ सा, बैठ जाइए अब आराम से बुआ सा। ये जो रुचिता है ना, इसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हैं? उसे लगता है उसने अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में किया है। वो अपनी बेटी को इस घर की नौकरानी नहीं, बहुरानी समझती है। ये कैसी बीमारी है? अरे बुआ सा, बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी आपको। अभी के लिए ना बस आप चुप रहिए, कुछ मत कहिए, वरना इस औरत की दिमागी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा, तू चिंता मत कर, मैंने तो बड़े बड़े पागल ठीक कर दिए। रुचिता ये सब क्या है बेटा? कौन है ये और तुझे नौकरानी क्यों समझ रही है? मम्मी वो है। चल पीछे हट। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा कब से लग रहा है कि आपकी बेटी इस घर की बहुरानी है? जब से शादी हुई है तब से। शादी हवा से तो हुई नहीं होगी, है ना? कोई दूल्हा भी रहा होगा। अब तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि दूल्हा वो तस्वीर वाला है? जो सच है वो सच है, वही तो है दूल्हा। बुआ सा, जी जी। मुंह खोलू तो सांप लौट जाए। औकात ढेले भर की नहीं है और ख्वाब देख रहे हैं महलों के। माफ कीजिएगा, ये मेरा कोई सपना नहीं है, सच्चाई है। बहन जी, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? रुचि,
तू बता दे बेटा। यस, क्यों बोल रही है वो माँ? रुचिता बेटा खड़ी क्यों हो, अपनी माँ को अंदर लेकर जाओ। हाँ हाँ मम्मी आइए आइए ना। इस औरत की दिमागी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। क्या तुम लोग बुआ जी से इतना बड़ा सच छुपा रहे? मम्मी बस आप प्लीज चुप रहना, बुआ सा के सामने कुछ मत कहना मम्मी प्लीज। इस तरह झूठ कहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तू कहती है तो ठीक है। अरे ओ लड़की, सारा दिन माँ के साथ पंचायत ही करती रहेगी या बाकी काम भी निपटाएगी? पहले ही आधा काम छोड़ के वहाँ बैठी हो। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, निहार जी है ना मेरे साथ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अरे हाँ हाँ, महारानी बनाकर रखेंगे, सर पे चढ़ा के रखेंगे, आप चिंता मत करें। उषा इतने दिनों बाद आई हो तो बेटी के हाथ की चाय तो पीकर जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं बस चलती हूँ। अरे रुकिए ना उषा जी, माँ जी कह रही है तो रुक जाइए ना, चाय पी के जाइएगा। बुआ साहब ये आ ही गई है तो इनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं ताकि वापस कभी ना आए। क्या सोच रही है, बैठिए ना। मैं जाके रुचिता की मदद करती हूँ। रे 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 रे, यहाँ तो मेरी दवाई रखी है, तुम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। हराम, ये क्या हो गया? मम्मी उठिए, मम्मी आप ठीक है ना? वो ऐसा मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, चाहे वो कोई भी हो आप उनकी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो जाता तो आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की औकात नहीं है तेरी, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? बुआ सा आप रुचिता पर हाथ क्यों उठा रही थी? छुटकू तुझे पता नहीं है, इसने मुझे पोछे के पानी से गिरा दिया था। लेकिन इन्होंने मेरी मम्मी को गिराया। अरे झूठ बोल रही है, बल्कि मेरे से जुबान लड़ा रही थी ये तो। बुआ सा क्या आपने रुचिता की मॉम को गिराया? वो तो लग गया होगा पैर कुर्सी को तो गिर गई होंगी। आप ठीक है ना बुआ सा? रुचिता ने जो किया वो गलती से हुआ होगा, लेकिन आपने जो किया वो जानबूझकर किया, इसलिए आप गलत हैं। मुंह खोलो तो सांप लौट जाए, एक दो टके की नौकरानी के लिए तुम मुझ पे सवाल उठा रहे? बुआ सा इंसान की हैसियत या उसका औहदा देखकर हम अपना व्यवहार तय नहीं कर सकते, ऐसी गलत चीज का हकदार कोई भी नहीं, चाहे वो नौकर हो मालिक हो या फिर कोई जानवर। और ये मैं जानता हूँ कि मेरी बातों का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आप इनसे कभी माफी नहीं मांगेंगे, इसीलिए आपकी तरफ से इनसे मैं माफी मांगूंगा। प्लीज मेरी बुआ सा को माफ कर दीजिए, मैं उनकी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। रहने दीजिए दामाद जी, कोई बात नहीं। अरे चुटकू, इसकी तो दिमागी हालत खराब है, लेकिन तू क्यों दामाद बन रहा है? किसने कहा आपको कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं?
वो निहार जी जो हो गया वो हो गया, ये सब छोड़िए अब मैं चलती हूँ। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि इस लड़की ने मेरे छुटकू पे काला जादू कर ही दिया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। निहार जी आपकी ग्रीन टी। निहार जी आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ऑफ कोर्स गलती है रुचिता, एक पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का साथ दे, उसके साथ कुछ गलत ना होने दे। और यहाँ मेरे सामने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है और मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ। आज तुम्हारी मॉम को कितना बुरा लगा होगा। हाँ उन्हें थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन आपकी बातों ने उनका दिल जीत लिया। निहार जी मेरी बात हुई थी उनसे, वो ठीक है। सच? चलिए आप ग्रीन टी पी लीजिए, मैं बिस्तर से फूल हटा देती हूँ वरना आपको सोने में तकलीफ होगी ना। रुचिता मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। हम मर गए ये कमबख्त लड़की, कब से चाय के लिए तरस रही हूँ लेकिन उसका अता पता ही नहीं है कहीं। माँ ने कहा था शुभ दिन, हैप्पी श्याम जी के पास रखा सिंदूर लगाने। क्या कर रही थी तू? वो मैं सिंदूर, मैं दीदी इतनी औकात कि हमारे घर के मंदिर से सिंदूर उठाकर तू अपनी मांग भर रही है। इस सिंदूर पर सिर्फ घर की बहू बेटियों का हक है, पराई औरतों का नहीं, और खासकर तुझ जैसी नौकरानी का तो बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर तो दूर, आइंदा अगर मंदिर के आसपास भी नजर आई ना तेरी हड्डियां चटका दूंगी, समझे? भगवान की पूजा और उनके प्रसाद का तो सबको हक होता है, उनके चरणों में रखे सिंदूर का भी तो सबको हक होना चाहिए। ज्ञान बाजी का अगर इतना ही शौक है ना तो किसी आश्रम में जाके प्रवचन दे, मुझे ज्ञान मत दे। मांग में सिंदूर भरने का, पतिव्रता का ढोंग करने का अगर इतना ही शौक है ना तो अपने पति को बुलवा, उससे भरवा अपनी मांग। वाह बुआसा, रुचिता की ऐसी बेइज्जती की है आपने कि मन कर रहा है अभी आपके गाल चूमूं। जा जाके चाय बना कर ला। एक सुहागन की मांग ज्यादा देर तक सुनी नहीं रहनी चाहिए।
निहार जी आप? वैसे तुम्हारी मांग में सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, मेरे नाम का। सॉरी निहार जी, मैं सिंदूर नहीं लगा पाई, वो बुआ सा ने। जानता हूँ, देखा मैंने बाहर, लेकिन मैं तुम्हारी मांग सुनी नहीं रहने दूंगा। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? अरे फिल्मी होने की कोशिश कर रहा था यार। छोड़िए, निहार जी ये तो वही थाली है ना जो मंदिर में रखी थी। रुचिता, इस सिंदूर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना बाकी सबका, और बुआ सा ने कहा था ना कि जाओ जाकर अपने पति से लगवा लो, तो आज तुम्हें तुम्हारा पति ही सिंदूर लगाएगा। झुटको, ये क्या मारपीट लगा रखी है? बुआ सा, आपको रुचिता के पति से मिलना है ना? मैं हूँ रुचिता का पति, निहार खोल। कहाँ मर गई ये कमबख्त लड़की, कब से चाय के लिए तरस रही हूँ लेकिन उसका अता पता ही नहीं है कहीं। सिंदूर कब लगा लिया इसने? मसाब, आपकी चाय तैयार है। ये सिंदूर कब लगाया तूने? वो मेरे पास सिंदूर की डिब्बी थी, उसी से लगा लिया। चाय मैं कप में नहीं कटोरी में पीऊंगी आज। मसाब, क्या है? छुटको, ये क्या मारपीट लगा रखी है? बुआ सा, आपको रुचिता के पति से मिलना है ना? मैं हूँ रुचिता का पति, निहार खोए। छुटको, ये क्या मारपीट लगा रखी है? बुआ सा, आपको रुचिता के पति से मिलना है ना? मैं हूँ रुचिता का पति, निहार खोए।